शुरुआत करते हैं आज के न्यूज़पेपर की फ्रंट पेज के साथ में। पहली न्यूज़ हमारी है हमारे इकोनॉमिक वाले सेक्शन से। फाइनेंस मिनिस्टर का कहना है लोन स्कीम टू बी नोटिफाइड सून। लोन स्कीम को जल्दी से ही जो है नोटिफिकेशन उसका जारी कर दिया जाएगा, ऐसा फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण का कहना है। अब क्या है ये स्कीम, इसको हम देख लेते हैं। 60,000 करोड़ लोन गारंटी स्कीम, इसका मतलब ये है इतने रुपया टोटल कॉस्ट आने वाली है हमारी सरकार को, जिसकी गारंटी लेगी केंद्र की सरकार। यदि कोई व्यक्ति लोन लेता है तो उसको चुकाने की जिम्मेदारी की गारंटी हमारी है, ठीक है। वो राशि है 60,000 करोड़ रुपये का। ये स्कीम उन सेक्टर को हेल्प करेगी जो कि कोरोना के कारण जो हिट हुए हैं। अब आप ये जो फिगर देख रहे हैं, टॉप ऑफ एन इकोनॉमिक रिलीफ पैकेज टू कोप विद द शॉक्स ऑफ द सेकेंड वेव। सेकेंड वेव के चलते चलते जो हमारी इकोनॉमिक कंडीशन ख़राब हुई, उसी से निपटने के लिए स्कीम इन्होंने लॉन्च किए थे। यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर हमारी जो निर्मला सीतारमण है, इनका कहना है अभी जो इससे संबंधित काम है वो अंडर वे में है और इट विल बी नोटिफाइड एंड इम्प्लीमेंटेड सून। बहुत ही जल्दी इसका आधिकारिक तौर से सूचना इसकी जारी कर दी जाएगी और जल्दी से इसका इम्प्लीमेंटेशन भी किया जाएगा। अब ये जो क्रेडिट सपोर्ट है ना, ये पार्ट है एक न्यू 1.1 लाख करोड़ लोन गारंटी स्कीम का, ठीक है। इसी का एक हिस्सा है। कोरोना इफेक्टेड जो सेक्टर हैं उनके लिए इसको लाया गया था। इसकी अनाउंसमेंट हुई थी 28 जून को अंडर ए रिलीफ पैकेज हुज फाइनेंशियल इम्प्लीमेंटेशन वर पेग्ड एट नियरली टोटल इसकी कॉस्ट आंकी गई थी 6.2 लाख करोड़ रुपया बाय द गवर्नमेंट। 1.1 लाख करोड़ का एडिशनल क्रेडिट दैट वाज टू फ्लो कोरोना इफेक्टेड बिजनेस। इसके अलावा 50,000 करोड़ वाज ईयर मार्क फॉर हेल्थ केयर प्रोजेक्ट इन नॉन मेट्रो सिटीज एंड वाज अप्रूव्ड बाय द यूनियन कैबिनेट 2 डेज लेटर। इसके अलावा हम अदर सेक्टर की बात कर रहे हैं जिसमें इंक्लूड है टूरिज्म। 60,000 करोड़ रुपया का लोन गारंटी स्कीम का इसमें वादा किया गया है। इंटरेस्ट रेट ऑन सच लोन, इसकी कैपिंग है 8.25%, इतना ब्याज रहेगा। एज अपोज टू प्रिवेलेंट रेट ऑफ 10 से 11% विथआउट सच ए गारंटी। और नॉर्मली क्या चलता है, 10 से 11% चलता है जिसमें कोई भी गारंटी नहीं दी जाती। इसके अलावा जो बहुत ही ज़्यादा डैमेज है एरिया है उसके बारे में हम बात करेंगे। विथ नन ऑफ द एक्सपेक्टेड क्रेडिट फ्लोइंग टू देम येट द फेडरेशन ऑफ होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया। होटल और रेस्टोरेंट एसोसिएशन की हम बात कर रहे हैं। इन्होंने निर्मला सीतारमण से कहा है कि आप जल्दी से जल्दी इंटरवेन करिए विथ इमीडिएट इफेक्ट इन ए कॉम्यूनिक लास्ट वीक, ऐसा इन लोगों का कहना है। इट सिटाइड दैट क्लोजर डैमेज सफर्ड बाय द टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी सेक्टर, बहुत ही ज़्यादा डैमेज हुआ है, बहुत ही ज़्यादा प्रभावित हुआ है टूरिज्म और हॉस्पिटैलिटी सेक्टर आफ्टर द सेकेंड वेव एडेड टू द लॉसेस दे हैव सफर्ड सिंस द ऑनसेट ऑफ द पेंडेमिक। इसके अलावा फेडरेशन ने ये भी पॉइंट आउट करा है कि जो लेंडर लोग हैं, चाहे वो बैंक हो चाहे और भी अदर कोई हो, वर नॉट प्रोसेसिंग एप्लीकेशन ऑफ सेवरल मेंबर्स। कई सारे मेंबर्स के एप्लीकेशन को प्रोसेस आगे बढ़ा ही नहीं रहे हैं। इसके अलावा जो स्मॉल इंटरप्राइजेस हैं फॉर लोन रिस्ट्रक्चरिंग या फिर असिस्टेंस, इसके लिए काम आगे अच्छे से नहीं हो पा रहा।
अंडर द एग्जिस्टिंग इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम ECLGS स्कीम, इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम। इसकी शुरुआत वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कोरोना वायरस महामारी और लॉकडाउन के कारण बिजनेस में जो संकट आया था इसको कम करने के लिए मई 2020 में की थी। इस योजना का मेन उद्देश्य है सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग, जिसको हम MSMEs कहते हैं, और कुछ व्यवसायिक उद्यम हो गए, और मुद्रा योजना के उधारकर्ताओं को पूरी तरह से गारंटी और गारंटी फ्री लोन प्रोवाइड करना है। इसके अलावा जो रिलीफ पैकेज अनाउंस किया गया था जून के महीने में, इसने इन्हेंस कर दी था ECLGS की कैप को। पहले 3 लाख तक रुपये का माफ़ कर रहे थे, अब 4.5 लाख करोड़ रुपये तक का जो गारंटी है वो गवर्नमेंट ले रही थी। स्टेटिंग दैट कॉन्टैक्ट इंटेंसिव सेक्टर आर ऑलरेडी कवर्ड अंडर द स्कीम एंड शैल बी कंटिन्यू। इसके अलावा कैबिनेट ने अप्रूव किया था एक्सपांसन ऑफ द ECLGS अलोंग विद द 50,000 करोड़ लोन गारंटी स्कीम फॉर द हेल्थ केयर सेक्टर ऑन 30 जून। 77.5 करोड़ रिवाइवल पैकेज फॉर द नॉर्थ ईस्टर्न रीजनल एग्रीकल्चर मार्केटिंग कॉरपोरेशन विच वाज आल्सो इंक्लूडेड इन द 6.29 लाख करोड़ रिलीफ पैकेज। इसको अप्रूव किया गया था कैबिनेट दिस वेडनेसडे। इसके बाद वाली न्यूज़ हम देखने वाले हैं इंटरफेथ कपल्स से रिलेटेड गुजरात की ये न्यूज़ है। एक केस गया था हाईकोर्ट में, गुजरात के हाईकोर्ट में, तो उस केस को लेकर के हाईकोर्ट का क्या मत है। इंटरफेथ मैरिज की हम बात कर रहे हैं, इंटरकास्ट मैरिज की बात कर रहे हैं, अंतर जाति विवाह जिसको कहा जाता, तो हाईकोर्ट ने प्रोटेक्ट किया है इंटरफेथ कपल्स फ्रॉम गुजरात लॉ। गुजरात में जो लॉ बनाया गया था ना, एक धर्म से दूसरे धर्म में जो शादियां होती हैं उसको लेकर के, ऐसे कई सारे बीजेपी रूल्ड स्टेट ने ज़्यादातर इस प्रकार के नियम कानून बनाए हैं। तो ग्रांटिंग प्रोटेक्शन टू इंटरफेथ कपल्स फ्रॉम हरासमेंट अंडर गुजरात एंटी कन्वर्जन लॉ। एंटी कन्वर्जन लॉ से हाईकोर्ट ने प्रोटेक्शन दिया है इंटरफेथ मैरिज करने वाले कपल्स को। गुजरात हाईकोर्ट ने थर्सडे के दिन ये कहा कि सम सेक्शन ऑफ द एक्ट विल नॉट अप्लाई टू ए मैरिज दैट डिड नॉट इन्वॉल्व फोर्स फ्रॉड और अल्यूरमेंट। अल्यूरमेंट का मतलब होता है प्रलोभन। तो हाईकोर्ट का ऐसा कहना है कि इसमें जो कुछ कुछ सेक्शन बनाए गए हैं ना, ये अप्लाई नहीं होंगे टू ए मैरिज दैट डिड नॉट इन्वॉल्व फोर्स फ्रॉड और अल्यूरमेंट। यदि कोई व्यक्ति बिना किसी फोर्स के, फ्रॉड किए और अल्यूरमेंट किए शादी कर रहा है, तो आपके ये सेक्शन उस पर लागू नहीं होते। डिवीजन की बेंच थी जिसमें शामिल थे चीफ जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस बीरेन वैष्णव। इन्होंने एक अंतरिम ऑर्डर पास किया जिसमें यह कहा गया कि यदि पीपल को प्रोटेक्ट करना है फ्रॉम अननेसेसरी हरासमेंट, वो कुछ कुछ जो सेक्शन है ना, द ऑर्डर अप्लाइज टू सेक्शन 3, 4, 4A, 4C, 5, 6 और 6 ऑफ द गुजरात फ्रीडम ऑफ रिलीजन अमेंडमेंट एक्ट 2021। तो सेक्शन 3, 4, 4A, 4C, 5 और 6 और 6 शैल नॉट ऑपरेट मर्ली बिकॉज द मैरिज इज सोलेमनाइज्ड बाय ए पर्सन ऑफ वन रिलीजन विथ एनोजन रिलीजन विथाउट फोर्स एल्यूरमेंट और फ्रॉडलैंड। तो इसके चलते चलते इतनी सारी जो धाराएं हैं ना, वो सब लागू नहीं होने वाली हैं, क्योंकि व्यक्ति ने कोई फ्रॉड नहीं किया है, कोई प्रलोभन नहीं दिया है, कोई फोर्स नहीं किया है, और शादी ये लोग कर रहे हैं। तो आप इसको ये नहीं कह सकते कि ये जो शादी हुई है वो अनलॉफुल कन्वर्जन है। और ये जो इंतरिम ऑर्डर जारी किया गया है इज टू प्रोटेक्ट द पार्टीज विच
solemnized interfaith marriage from unnecessary harassment. ये अंतरिम ऑर्डर जो दिया गया है ये इसलिए है कि जो इंटरफेथ मैरिज कर रहे हैं कपल्स, उनको कोई हरास ना कर सके, उनको कोई परेशान ना कर सके. जो एंटी कन्वर्जन लॉ गुजरात में बनाया गया है, इसको अमेंडमेंट किया गया था दिस ईयर टू ब्रिंग ए न्यू सेक्शन दैट पेनलाइज फोर्सिबल या फिर फ्रूडलेंट रिलीजियस कन्वर्जन थ्रू मैरिज. ठीक है, यदि कोई व्यक्ति फ्रॉड करके, फोर्स करके धर्म का परिवर्तन कराता है और शादी करता है, तो इससे फिर उसमें सज़ा का प्रावधान इसमें किया गया है. इसको नोटिफाइड किया गया था 15 जून को. द लॉ द स्टेट गवर्नमेंट कंटेंडेंट वाज मीन टू स्टॉप रिलीजियस कन्वर्जन थ्रू इंटरफेथ मैरिज. अंतरजाति जो विवाह हो रहे हैं और उनके चलते चलते जो धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है, उसको रोकने के लिए इस नियम कानून को लाया गया था. सिटिंग सेवरल इंसिडेंट ऑफ अलीड कन्वर्जन थ्रू मैरिजेस. अब थोड़ी सी जानकारी यहाँ पर इस नियम कानून के बारे में बताई गई है. यहाँ पर फोर्सिबल कन्वर्जन का मतलब बताया गया है सेक्शन 3 में, जिसका मतलब होता है नो पर्सन सेल कन्वर्ट और अटेम्प्ट टू कन्वर्ट एनी पर्सन फ्रॉम द वन रिलीजन टू अनदर बाय यूज ऑफ फोर्स. कोई भी व्यक्ति एक धर्म से दूसरे धर्म में फोर्स करके शादी नहीं कर सकता और धर्म को परिवर्तित नहीं करा सकता, ना ही इसका प्रयास कर सकता. सेक्शन 4 कहता है यदि कोई व्यक्ति गिल्टी पाया जाता, दोषी पाया जाता है और इस नियम कानून का वो उल्लंघन करता है, तो सेक्शन 3 विल फेस अप टू 3 ईयर्स ऑफ इम्प्रिजनमेंट. 3 साल की जेल है और 50,000 रुपया का इसमें जुर्माना है. यदि जो विक्टिम है वो माइनर है, ए वुमेन और फ्रॉम SC और ST कम्युनिटी, देन द जेल टर्म विल बी 4 ईयर्स विथ ए फाइन ऑफ 1 लाख. इसके बाद वाली न्यूज़ हम देखने वाले हैं स्मोक टावर से रिलेटेड. दिल्ली में हम अक्सर सुनते रहते हैं वायु प्रदूषण के बारे में, तो उसी से निपटने के लिए दिल्ली की सरकार नए स्मोक टावर को लाई है. यहाँ के जो CM हैं वो इनॉग्रेट करेंगे दिल्ली सिटी के पहले स्मोक टावर को. इवेंट शेड्यूल्ड फॉर अगस्त 23, मूव एम टू कंट्रोल एयर पोल्यूशन इन दिल्ली, ऐसा कहना है एनवायरमेंट मिनिस्टर का. थोड़ी सी जानकारी स्मोक टावर के बारे में यहाँ पर दी गई है, पिक्चर के माध्यम से भी इसको बताया गया है. ठीक है, ये है टावर की कैप, ये स्क्रीन मैच है, और ये जो एरो से बताया गया है कि यहीं से जो है प्रदूषित हवा को प्रवेश कराया जाता है दोनों तरफ से, राइट तरफ से भी और लेफ्ट साइड से भी. फिर इसके बाद हवा आएगी नीचे, ये फिल्टर लगे हुए हैं इस प्रकार से. यहाँ पर दोनों तरफ से हवा को फिल्टर किया जाता, फिल्टर करने के बाद फैन लगाए गए हैं, फैन के माध्यम से जो छनी हुई हवा है, साफ हवा है, वो बाहर फेंकी जाती है. ये एरो बनाए गए हैं और इसमें बाउंड्री फेंस भी बनाई गई है दोनों की तरफ. तो स्मोक टावर कैसा, क्या है इसका हाइट, डेजिग्नेशन, क्या क्या इसकी विशेषताएं हैं, तो इसकी हाइट रहेगी 24 मीटर. ये स्टील और सीमेंट का स्ट्रक्चर है, फिटेड विद फैंस एंड फिल्टर टू प्योरीफाई एयर. इसमें फैन लगे हुए हैं और फिल्टर लगे हुए हैं ताकि हवा को प्योरीफाई किया जा सके. टोटल इसमें हमें 40 बड़े बड़े फैन देखने को मिलेंगे एट द बॉटम ऑफ द टावर. ये लोग क्या करेंगे, सक करेंगे पॉल्यूटेड एयर को फ्रॉम द टॉप एंड इट विल पास थ्रू 5,000 फिल्टर इंस्टॉल एट द बॉटम. ऊपर से ये हवा को अपने आप अपनी तरफ खींचेंगे, खींचने के बाद उसको लेके जाएंगे फिल्टर की तरफ, जो कि 5,000 फिल्टर लगाए गए हैं. इसके अलावा 3 मीटर फिल्ट्रेट फिल्टर्स कॉन्टेन इलेक्ट्रोस्टेटिकली चार्ज फिल्टर मीडिया
एंड कैन कैप्चर पार्टिकल एज एज स्मॉल एज 0.3 से लेकर के 10 माइक्रोन के साइज को। कॉस्ट यहाँ पर बताई गई है 20 करोड़ रुपया की। 1000 क्यूबिक मीट्रिक ऑफ एयर पर सेकेंड विल बी प्योरीफाइड बाई द टावर, यहाँ इसकी कैपेसिटी बताई गई है। इसके अलावा द टावर हैज़ बीन बिल्ट एज ए पायलट स्टडी फॉलोइंग सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर। कुछ कुछ जानकारी और भी है, जैसे कि दिल्ली पॉल्यूशन कंट्रोल कमिटी ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, ये है नोडल अथॉरिटी फॉर बिल्डिंग द टावर। आईआईटी मुंबई और आईआईटी दिल्ली वर टेक्निकल एडवाइज़र, और जो टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड है इसने एग्जीक्यूटेड किया था इस प्रोजेक्ट को। इसके अलावा पिक्चर जो आप देख रहे हैं फ्रंट पेज में भी हमने देखे थे, जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया हैं श्री राजीव गांधी, इनकी 77वें बर्थ एनिवर्सरी है, इसी के उपलक्ष में सब लोग इनको बधाइयां दे रहे हैं। इसके बाद वाली न्यूज़ हम देखने वाले हैं हमारी हेल्थ सेक्टर से। 3.86 करोड़ पीपल डिड नॉट गेट सेकेंड डोज ऑन टाइम, ये न्यूज़ है प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया न्यू दिल्ली PTI से ये न्यूज़ है। 3.86 करोड़ पीपल ने सेकेंड कोरोना वैक्सीन की डोज है उसको टाइम पर नहीं मिला उनको। 3.86 करोड़ से भी ज़्यादा पर्संस डिड नॉट गेट देयर सेकेंड डोज ऑफ द कोरोना वैक्सीन विद इन द स्टिबुलेटेड टाइम पीरियड, जो निर्धारित टाइम दिया जाता है दो वैक्सीन के बीच में जो गैप लगा रहता है, उस दौरान सेकेंड जो डोज टाइम में मिलनी थी उनको नहीं मिल पाई है। द यूनियन गवर्नमेंट हैज सेड इन ए रिस्पॉन्स टू ए क्वेरी अंडर द राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट। अकॉर्डिंग टू इन्फॉर्मेशन ऑन द कोविन पोर्टल, यहाँ पर जानकारी दी गई है कि कितने लोग ने रिसीव किया था उनके फर्स्ट डोज को और कितने ने लिया सेकेंड डोज को थर्सडे आफ्टरनून। तो डाटा दिखाया जा रहा है 44,22,85,854, इतने लोगों ने पहला डोज लिया, जबकि 12,59,07,443 लोग ही सेकेंड डोज ले पाए। एक्टिविस्ट रवन शर्मा ने फाइल किया था एक क्वेरी अंडर द RTI एक्ट, ये सीकिंग कर रहे थे टू नो फ्रॉम द गवर्नमेंट द नंबर ऑफ पर्सन हु हैड रिसीव द फर्स्ट डोज ऑफ ए वैक्सीन आइदर कोविशील्ड और कोवैक्सीन बट हैड नॉट टेकन द सेकेंड विद इन द स्टिपुलेटेड टाइम पीरियड। हेल्थ मिनिस्ट्री अर्ज पीपल टू इंश्योर दैट द सेकेंड डोज वाज टेकन ऑन द टाइम इन ऑर्डर टू गेट द फुल बेनिफिट ऑफ वैक्सीनेशन। एक बार वैक्सीन लगवा लेने से काम नहीं चलेगा, दोनों डोज लेने से ही फायदा मिलने वाला है।